अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इसके लिए देश का हर प्रदेश अपनी तरफ से कुछ न कुछ दान कर पुण्य का भागी बन रहा है। वहीं भगवान श्री राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में भी मंदिर उद्घाटन को लेकर जमकर तैयारियां चल रही हैं और उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 मेट्रिक टन चावल अयोध्या भेजा जा रहा है। इस चावल का इस्तेमाल भगवान श्री राम के महाभंडारे में होगा और इस सुगंधित चावल से अयोध्या का महाभंडारा महकेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव 28 दिसंबर को चावलों से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या रवाना करेंगे, जो 30 दिसंबर को पहुंचेगा। यह अब तक की सबसे बड़ी चावल की खेप है जो अयोध्या पहुंचेगी। चावलों की बोरियों को छत्तीसगढ़ के कई जिलों से इकट्ठा करके ले जाया जा रहा है। इस भेंट को लेकर मनिंद्रगढ़ विधायक और कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ रामलला की जननी माता कौशल्या की जन्मभूमि है, इसलिए भगवान रामचंद्र हमारे भांजे हुए। निश्चित रूप से रामलला की स्थापना अयोध्या में ही हो रही है। जैसे ननिहाल में बालक पैदा होने पर उत्सव मनाते हैं, वैसा उत्सव हम लोग भी मनाएंगे। मैं सभी से इसके लिए अपील भी कर चुका हूँ, अपने अपने शहरों और गांवों में एक उत्सव का माहौल बनाएं और अपने घरों को दीप जलाकर सजाएं। उन्होंने आगे बताया कि यहां के हर इलाके में कलश यात्रा भी निकाली जा रही है। मंत्री जी के मुताबिक सभी राइस मिल के मालिकों ने मिलकर पूरे प्रदेश भर से 300 टन अच्छे क्वालिटी के चावल इकट्ठे किए हैं, जिसे 28 दिसंबर को अयोध्या रवाना किया जाएगा। सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों और छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर अन्नदान किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और श्री राम यहाँ के भांजे हैं, इसलिए यहाँ से जो चावल जा रहा है, जिससे प्रसाद तैयार होगा और लोगों में बांटे जाएंगे। कौशल प्रदेश रहा है, माता कौशल्या की जननी है धरती और भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे भांजे हैं, तो निश्चित रूप से जब रामलला की वहाँ स्थापना हो रही है तो यहाँ ननिहाल में जैसे अपने बालक पैदा होने पर जो उत्सव होता है, निश्चित रूप से हम लोग वैसा ही उत्सव यहाँ मनाएंगे। मैं तो सभी से अपील भी किया हूँ कल भी कि अपने नगर में गांव में एक उत्सव का माहौल अभी से तैयारी करें, अभी से लोग अपने घरों को सजाना चालू कर दें, झालर लगाएं, दिए जलाएं और नगर भ्रमण हो। वैसे भी अभी सभी क्षेत्रों में भगवान श्री रामचंद्र जी के उसका कलश जो है पूरे जगह नगर भ्रमण हो रहे हैं और एक वातावरण धार्मिक के साथ साथ एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इस प्रकार का माहौल अभी पूरे छत्तीसगढ़ में बनना प्रारंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री जी के द्वारा 28 तारीख को यहां से राशन का खेप रवाना किया जा रहा है अयोध्या के लिए सभी जिलों से इकट्ठे करके। आप भी राइस मिलर हैं, उसको लेकर के आपकी किस तरह की तैयारी है अयोध्या के लिए? राइस मिलर पूरे छत्तीसगढ़ के 300 टन जो है अच्छे क्वालिटी के चावल 30 तारीख को अयोध्या रवाना कर रहे हैं और सभी धार्मिक संगठनों, सामाजिक संगठन और छत्तीसगढ़ के तमाम लाखों लोगों ने अन्नदान किया है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, भगवान श्री राम यहाँ के भांजे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ का जो चावल जा रहा है वो वहाँ लोगों के प्रसाद में बहुत अच्छा उपयोगी है। मनिंद्रगढ़ से धीरेन्द्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।